नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराधा तुरान और आप देख रहे हैं nvnews.com। देश में बागी नेताओं की कमी नहीं है। जी हां, जो भी नेता पार्टी छोड़ दे या पार्टी तय बाहर काट दिया जावे, वही नेता अपनी नई पार्टी बनाने की तैयारियां में लग जाए। फिर किसी के तो अच्छे दिन आ जाए और किसी के इतने बुरे कि बंदा कती हाथ जोड़ जाए। हरियाणा में लगातार न्यारी पार्टी बनाने का दौर चलता रहा है। हरियाणा में अपनी न्यारी पार्टी बनाना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि हरियाणा जैसे राज्य में अपनी पार्टी बनाना इतना आसान भी नहीं है। अपनी न्यारी पार्टी चलाना ऐसा काम है जिसे अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, आगे जान के चक्कर में पीछे पीछे भाग। जी हां, हरियाणा में न्यारी पार्टी बनाने का इतिहास कुछ ऐसा गवाही दे रहा है। चाहे फिर कोई कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, उनकी डफली का राग भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई और शराबबंदी के नाम पर खूब राजनीति करी। शराबबंदी के नाम पर राजनीति खेल के पार्टी सत्ता में तो जरूर आ गई, लेकिन पार्टी का जादू ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। हरियाणा विकास पार्टी आखिर में कांग्रेस में जा मिली। जो नेता और कार्यकर्ता खिलाफत करके हजका में शामिल हुए थे, उन गेलवा बनी न 3 में न 13 में। फिर भी हरियाणा में नई पार्टी बनाने का सिलसिला नहीं थमया। कांग्रेस की हुड्डा सरकार में मंत्री रहे गोपाल कांडा ने अपनी नई लोकहित पार्टी तो बना ली, लेकिन अपनी खुद की सीट भी नहीं जीत पाए। इसे तर्ज पर हुड्डा सरकार में रहे पावरफुल पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने भी कांग्रेस से अलग होकर अपनी चेतना पार्टी बनाई और यह पार्टी भी चेतना की बजाय अचेत होगी। नतीजा यूं होया कि दूसरे उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हुई ही, खुद विनोद शर्मा भी अपनी सीट नहीं बचा सके। मतलब साफ है, सत्ता का गुड़ तो कित मिलना था, गन्ना तक नहीं मिला। हरियाणा में सिर्फ यही नहीं, और भी कई से धुरंधर हुए हैं जिन्हें अपनी नई पार्टी बनाने की जहमत उठाई है। वीरेंद्र सिंह मराठा ने भी अपनी एक नई पार्टी बनाई, नाम रखा एकता शक्ति पार्टी। पार्टी में एकता कभी नजर नहीं आई या भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, आखिर में पार्टी दम तोड़ गई। बीजेपी के बागी नेता राजकुमार सैनी ने थोड़े दिन पहले एक नई पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा मंच की नींव रखी है। ओबीसी की राजनीति करने वाले राजकुमार सैनी की पार्टी कितनी उड़ान भरेगी, यूं तो आने वाला टाइम ही बतावेगा। इब इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद दुष्यंत चौटाला भी इसे राह पे चलते दिखे हैं। वो भी अपनी अलग पार्टी बना सके हैं, लेकिन जोश के साथ होश भी बहुत जरूरी हुआ है। जब अलग पार्टी बनानी है तो दुष्यंत ने एक बार इतिहास में झांक के देख लेना चाहिए। जब कई बार के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल और कई बार मुख्यमंत्री रहे भजन लाल अपनी पार्टी नहीं चला सके, तो उन गेल के बनेगी दुष्यंत और अभ्यपय। आजकल यह कहावत सटीक बैठ रही है, सी का बाई बगेरा, एक कूद नो एक कूद तेरा। आज खातर बस इतना ही, आप देखते रहो nvnews.com। राम राम। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।